बच्चों, मैं दिनेश उपाध्याय सरस्वती बाग हिंदी माध्यमिक विद्यालय से आज मैं आप लोगों के सामने पिछली कक्षाओं को यदि आपने जो है पिछली कक्षाओं को यदि आपने मेरे क्लास को अटेंड किया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कविता के बारे में बताया है। कविता हमेशा शब्द की तीन शक्तियां, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो ये तीन शब्द शक्तियों के द्वारा कविताओं को समझा जाता है। ये पूरी कविता मेरे प्यारे बच्चों अविधा शब्द शक्ति पर जो आधारित है, जो कि एकदम सरल है। इस कविता को पढ़ने के पहले, इस कविता का नाम है अद्भुत वीर। तो कुछ मैं थोड़ी सी जो है कहानी जो है आपको कर्ण के बारे में, अद्भुत वीर कर्ण के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो है कर्ण को केंद्र बिंदु में रखते हुए पूरी कविता लिखी गई है। तो पौराणिक आख्यानों के अनुसार बच्चों, यद्यपि कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था, क्योंकि कर्ण का जन्म कुंती के विवाह के पूर्व हुआ था। हमारे यहाँ बच्चों जो है विवाह के पूर्व यदि बच्चा जन्म ले ले तो उसे काफी सामाजिक अवहेलना झेलनी पड़ती है। इसलिए लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक झांपी में रखकर नदी में बहा दिया। वह झांपी बच्चों राधा नाम की एक महिला को मिली, उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। अब देखिए, मतलब जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ईश्वरी न्याय भी बड़ा विचित्र होता है। राजकुल में पैदा होने के बावजूद वह राजकुल के सुखों से वंचित रहा। इतना ही नहीं, उसे गुरु द्रोणाचार्य, जो कि पांडव और कौरवों के दोनों के गुरु थे, विवश होकर गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपना शिष्य बनाने से उसे मना कर दिया। लेकिन फिर भी कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या की कला परशुराम से जाकर सीखी तथा अर्जुन से बढ़कर धनुर्धर बना। कर्ण को रंगभूमि में अर्जुन का सामना करने से भी रोका गया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। इसके पश्चात वह अर्जुन से युद्ध करने के योग्य समझा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी कविता पर आधारित है, कर्ण के ऊपर आधारित है, यानी तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है मनुष्य, तू बड़ा महान है। तेरी गगन से भी ऊंची उड़ान है मनुष्य, तू बड़ा महान है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आदर्श वाचन करता हूँ और आप सभी लोग जो है गौर से इसको जो है देखेंगे अपनी किताबों में और समझेंगे। तो कोई भी कविता हो, पाठ हो, पढ़ने के पहले हमें जो है परिचय जरूर पढ़ना चाहिए। और पद्य संबंधी, गद्य संबंधी, गद्य यानी पाठ, पद्य यानी कविता है। भाई ये देखते हैं परिचय में, रामधारी सिंह दिनकर जी अपने युग के प्रखरता, और पेंसिल ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शब्द का सामर्थ्य जीवन को गतिशील बनाता है। हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, अंग्रेजी जैसी बोली जाती वैसी लिखी नहीं जाती। इसमें जो है संस्कृत दृष्ट कुछ शब्द आएंगे जो कि आपको जो है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, उसके पर्यायवाची शब्द हमें जानना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पेंसिल ले लीजिए और अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, मैं अर्थ बताते हुए चलूंगा। रामधारी सिंह दिनकर जी अपने युग के प्रखरतम, प्रखरतम यानी सबसे तेज, प्रखरतम यानी सबसे तेज कवि के साथ साथ सफल और प्रभावशाली गद्य लेखक भी थे। गद्य लेखन का भी कार्य किया करते थे, आपने निबंध के अतिरिक्त डायरी, संस्मरण, दर्शन एवं ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन में भी लिखे हैं। आइए नीचे देखते हैं पद्य संबंधी, इस कविता से संबंधित पद्य संबंधी। हिंदी साहित्य में यह प्रबंध काव्य का रूप है। मानव जीवन की किसी विशेष घटना का रूप है। मानव जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य होता है। खंड यानी टुकड़े में, खंड यानी बच्चों टुकड़ा, अखंड भारत यानी संपूर्ण भारत, खंड काव्य यानी टुकड़ा, अखंड। इसमें केवल प्रमुख कथा होती है।
प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिल पाता है। कम से कम 8 सर्गों के प्रबंध काव्य को खंड काव्य माना जाता है। प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत काव्यांश यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसका अंश काव्यांश रश्मिरथी खंड काव्य से लिखा गया है। इसमें कवि ने कर्ण के बहाने तेज को नमन, कर्ण के बहाने तेज को नमन यानी शक्ति को नमन, समाज में समानता कुलीनता छोड़कर योग्यता कर्मठता को प्रधानता देने की प्रेरणा दी गई। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा सिर्फ राजा होगा। अरे बुदड़ी के लाल यानी कीचड़ में भी कमल खिलता है, लेकिन उस कमल को जो है अगर कोई दशा दिशा देने वाला हो तो वास्तव में जो है वह चमक कर बाहर आता है। इसी पर आधारित मेरे प्यारे बच्चों ये कविता है। आइए मैं पढ़ता हूँ स्टार्टिंग से, जरा आप लोग किताब में ध्यान से देखिएगा। जय हो जग में जहां भी नमत नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। आसान कविता है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जो है शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। किसी वृंत पर खिले विपिन में, किसी वृंत पर खिले विपिन में, विपिन यानी जंगल पर नमस्य है फूल, सुध खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही है। देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटा हुआ हमारा समाज था, लेकिन यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर देखिए क्या कह रहे हैं कि क्षत्रिय कौन है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है। देखिए सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी तेजस्वी सम्मान खोजते, तेजस्वी सम्मान खोजते, नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। यानी तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। वीर खींच कर, बहादुर लोग इतिहासों में लीक खींच कर ही रहते हैं कितनी भी विकट परिस्थितियां हो। जिसके पिता सूर्य थे, यहां देखिए, जिसके पिता सूर्य थे यानी कर्ण के पिता सूर्य, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ हुई धार पर बहती हुई पिटारी। यानी ऐसा बच्चा भी उस समय समाज की अवहेलना को झेला और माता कुंती ने उसे जो है जल में प्रवाहित कर दिया। उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला, सूत वंश यानी बच्चों जो है छोटी जातियों में पला हुआ, सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, जननी यानी माता, क्षीर यानी दूध, माता का दूध भी नहीं पिया उस बच्चे ने। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, लेकिन कर्ण ने फिर भी जो है विकट परिस्थितियों को झेलते हुए भी वह सूर वीर बनकर सबके सामने, अद्भुत वीर बनकर सबके सामने आया। तन से समर सूर, समर यानी रंगभूमि, समर यानी युद्ध भूमि भाई। तन से समर सूर, सूर यानी वीर, समर यानी रणभूमि जहां राजा लोग लड़ाई करते हैं। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, कर्ण का स्वभाव देखिए कैसे था, एकदम दानियों की तरह था। जाति गोत्र का नहीं, जाति को गोत्र का नहीं,
शील का पौरुष का अभिमानी, उसे अभिमान था तो अपने शील का यानी सहिष्णुता का उसको अभिमान था, घमंड, अभिमान यानी घमंड। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र का, शस्त्रास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, ज्ञान का ध्यान का शस्त्रास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, यानी दोनों का अभ्यास करके, यानी परफेक्ट प्रैक्टिस मैन, मैन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नहीं परफेक्ट प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। अपने गुणों का किया, अपने गुणों का किया करने ने आप स्वयं सुविकास, अपने गुणों का किया करने ने आप स्वयं सुविकास, यानी आत्मनिर्भर बनकर पराधीन सपने सुखनाही। तुलसी बाबा ने भी जो है रामचरितमानस में कहा है पराधीन सपने सुखनाही, यानी जैसे एकलव्य ने अभ्यास करके प्रैक्टिस करके मेहनत करके मेरे प्यारे बच्चों अर्जुन से भी भारी जो है धनुर्धर हो गए थे, वैसे ही हमारे कर्ण भी अकेले अपने स्वयं के विकास के लिए उन्होंने आत्मनिर्भरता शब्द को जो है अंगीकृत किया और उसी का अभ्यास करते हुए अर्जुन से भी भारी जो है धनुर्धर साबित हुए। नेक्स्ट पेज, अलग अलग नगर के कोलाहल से, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, सबसे अलग यानी गुरुकुल में नहीं जंगलों में अभ्यास करने लगे। अलग नगर के कोलाहल से, कोलाहल यानी शोर शराबा के, अलग पूरी पुरजन से कठिन साधनों में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, मन से कर्म, कर्म से वचन से स्थिर होकर कर्ण ने अपना अपनी साधना में व्यस्त रहे। निज समाधि में निरत, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, यानी अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हुए उन्होंने अभ्यास किया। निज समाधि में निरत लगातार, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला, वन्य कुसुम सा यानी जंगल के फूल की तरह, उपमा अलंकार है यहाँ पे, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम, देखिए कवि क्या कह रहे हैं, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, यानी कवि इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि सिर्फ राजाओं के बगीचों में नहीं फूल खिला करते, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, उपवन यानी बच्चों जो है बगीचा गार्डन, उपवन में अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, अमित बार यानी कई बार खिलते हैं वे पुर से यानी गांव देश से दूर कुंज कानन में, कानन यानी बगीचा कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, इस रहस्य को कौन समझे, प्रकृति के खेल को समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, यानी इस प्रकृति के खेल को भाग्य प्रबल मानव निर्बल, यानी मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकृति के खेल को कोई नहीं समझ सकता, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, गुदड़ी में चुन चुन कर रखती चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा, जलद जलद पटल, जलद यानी बादल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, यानी बादलों में छिपा रवि यानी कब तक छिपा रह सकता है। युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, समय आ गया मेरे प्यारे बच्चों, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग,
फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, रंग भूमि में जब अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। दर्शन दीर्घा से जहां लोग लड़ाइयों को देख रहे थे वहीं से जो है कर्ण का आगमन होता है। दर्शन दीर्घा से बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा अचानक कर्ण सरासन साधे, अपने जो है तीर धनुष को लेकर जो है दर्शन दीर्घा की ओर से जो है रंगभूमि में पहुंचा। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन हे अर्जुन, इन तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर तू जो गर्व से सीना फुलाए हुए है, तेरा सुएस अभी क्षण में होता है दूर, और इस अभिमान को मैं अभी क्षण भर में नष्ट कर देता हूं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अब लाइन से जो है इसका अर्थ देखेंगे। जय हो जग में जहां भी नमन पुनित अनल को, जय हो जग में जहां भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा जरा, कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि विश्व में जहां भी पवित्र अनल और अनिल में बच्चों बड़ा सूक्ष्म अंतर है। अनिल यानी हवा, अनल यानी अग्नि। पवित्र अनल हो मैं उसे नमस्कार करता हूं, मैं उसे नमस्कार करता हूं। जय हो जिस नर में बसे हमारा नमन तेज को बल को, जिस व्यक्ति में भी तेज और बल का निवास हो, तेज और बल का निवास हो, मैं उस व्यक्ति को भी नमस्कार करता हूं। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, किसी वृंत पर खिले विपिन, विपिन यानी जंगल, विपिन यानी जंगल, जंगल में फूल किसी भी शाखा पर, वृंत यानी शाखा, वृंत यानी लिखते जाइएगा, जंगल में फूल किसी भी शाखा पर खिले, वह नमस्कार करने योग्य है, वह नमस्य है, वह उसे नमस्कार किया जाना चाहिए। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, सुधि यानी विद्वान बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग गुणों का आदि और शक्ति का मूल नहीं खोजते। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरी लाइन देखते हैं। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। रामधारी सिंह दिनकर जो है इस कविता के माध्यम से क्या कहते हैं कि जो ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। जिस व्यक्ति में दया नहीं धर्म नहीं वह व्यक्ति किस काम का। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी यानी वही पूजनीय व्यक्ति है। क्षत्रिय वही है, क्षत्रिय वही है। किसी के घर में जो है पैदा होने से कोई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं हो जाता, क्षत्रिय यानी ठाकुर। क्षत्रिय वही है भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, यानी जो लीडर हो, निर्भयता की आग जिसके अंदर हो वही जो है असली क्षत्रिय है। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण
जिसमें सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि ब्राह्मण वही है जिसमें वास्तविकता में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तप हो, त्याग हो। तिलक दियो पर मर्म न जानी, तिलक तो दे दिया लेकिन उसका मर्म जो है नहीं जाना। मस्तक पर यानी ब्रह्मांड पे तिलक लगाने का मतलब क्या होता है बच्चों की ठंडक, लेकिन तिलक दे दिया लेकिन अंदर से जो है तप रहे हैं, हाँ, क्रोध काम क्रोध लोभ में मस्त है वह ब्राह्मण नहीं। ऐसा रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से हमें और आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तीसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। जो तेजस्वी है, जो वास्तव में जो है अपनी कर्मठता में विश्वास रखता है, वह किसी गोत्र को बतला कर जो है अपना सम्मान नहीं खोजता। पाते हैं जग से प्रशस्ति, प्रशस्ति यानी सम्मान जो हमें मिलता है, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। यानी तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, अपना कर्तव्य दिखलाकर तभी जो है जाके जो है सम्मान प्राप्त करते हैं। हीन मूल की ओर, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, हीन मूल की ओर देख जग जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। यदि कोई वीर शूद्र मूल का है और उसके शूद्र यानी बच्चों जो छोटे मूल का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में हमारा समाज जो है पहले बटा हुआ था, कोई वीर शूद्र का मूल है, मूल का है और उसके मूल के कारण संसार उसे गलत कहे या सही कहे, तो भी वीर पुरुष उससे विचलित यानी उससे डगमगाता नहीं है, तो भी वे अपनी वीरता के इतिहास में अपनी लीके यानी छाप छोड़ जाते हैं। वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, यानी वीर जो है इतिहासों में लीक खींच कर ही रहता है। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जिसके पिता सूर्य तथा माता सती कुमारी कुंती थी, उस बालक का पलना नदी की धार में बहती हुई एक पिटारी। पिटारी मतलब बच्चों जो है झांपी, पिटारी बनी। उसका पालन पोषण मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रारंभ में ही बता दिया कि उसका पालन पोषण शूद्र के घर हुआ तथा उसे अपनी माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। सूत वंश में पला, सूत यानी बच्चों निम्न वर्ग में पला, चखा भी नहीं जननी का, जननी यानी माता, क्षीर यानी दूध, माता का दूध भी नहीं चखा ऐसा जो है बालक। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, फिर भी कर्ण सभी युवकों में अनोखा अनुपम अद्वितीय वीर बनकर समाज के सामने आया। तन से समर सूर मन में भाव स्वभाव से दानी। देखिए कर्ण का स्वभाव कैसा था, तन से समर सूर यानी बल बुद्धि और विद्या तीनों से धनी कर्ण, आत्मनिर्भरता की ताकत से यानी तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी अपनी जो है आत्मनिर्भर बनकर स्वयं के अभ्यास से प्रैक्टिस से बच्चों जो है तन से समर सूर बना। मन से भावुक था और स्वभाव से मेरे प्यारे बच्चों दानवीर कर्ण, इसलिए जब भी जो है कर्ण का नाम लिया जाता है तो दानवीर कर्ण के नाम से जो है जाना जाता है। इनके बारे में जो है कर्ण के बारे में कई कहानियां हैं, आप सभी लोग YouTube के माध्यम से देख सकते हैं कि कर्ण वास्तव में जो है बहुत बड़े जो है दानी थे। तन से समरसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जात्रि गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। जाति गोत्र का अभिमान नहीं था उसे, अपने स्वभाव और पौरुष का अभिमान।
देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, अभिमान था तो किसका था? अपने पौरुष का, अपने स्वभाव का। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, ज्ञान का, ध्यान का और शस्त्रों की विद्या का सम्यक अभ्यास करके, यानी सभी का जो है समान रूप से सभी चारों तरफ जिसको कहते हैं कि बल का, बुद्धि का, विद्या का, तीनों का अभ्यास करके, सब तीनों पर जो है समान दृष्टि रखते हुए उसका उस पर अभ्यास किया और अपने गुणों का किया कर्ण ने आप स्वयं विकास। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र का पूरा अभ्यास करके कर्ण ने अपने स्वयं अपने गुणों का विकास किया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा जो है अपने आत्मनिर्भर बनकर व्यक्ति को जो है मेहनत करना चाहिए। किसी कुल जाति में पैदा होने से कोई व्यक्ति ज्ञानी और ध्यानी नहीं बन सकता। नेक्स्ट पेज, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कनिष्ठ कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन। नगरों से अलग हटकर जंगलों में, जहां लोग गुरुकुल में पढ़ा किया करते थे, वहीं जो है भाई कर्ण जंगल में अकेले कठिन साधना में, अपने उद्योग में, यानी अपने जो है लक्ष्य की तरफ लगा हुआ तन मन से, तन मन से जो है लगा हुआ था। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। निज समाधि यानी व्यक्तिगत कार्यों में लगा रहा, यहां वहां का ध्यान नहीं, सिर्फ अपने जो है मन से, कर्म से, वचन से अपने लक्ष्य की तरफ लगा रहा। सदा निज कर्मठता, अपने कर्मठता में हमेशा जो चूर रहता था, यानी अपनी कर्मठ कर्म की तरफ जो है वर्क इज वर्शिप को माना, कर्म ही पूजा को ध्यान में रखते हुए उसने मेहनत किया। वन्य कुसुम सा जंगल में फूल सा एक दिन अर्जुन सबकी आंखों से दूर रहते हुए जंगल में फूल की तरह जो है वह खिलकर सामने आया। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपमन में। कभी रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि राजा का बेटा राजा हो ये जरूरी नहीं है। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपमन में। कवि दिनकर के अनुसार केवल राजाओं के बगीचे में ही फूल नहीं खिलते। कई बार नगर से दूर जंगल के कुंजों में भी खिलते हैं। जंगल के कुंजों में ही खिलते हैं। अमित बार खिलते पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य। कभी रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं प्रकृति का यह रहस्य कौन समझे। प्रकृति का खेल बहुत ही विचित्र होता है। वह गुदड़ी से चुन चुन कर होनहार बच्चों को छुपा कर रखती है। कीमती लाल जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। जलद यानी बच्चों जो है बादल, पटल यानी पीछे छिपा हुआ, किंतु रवि कब तक यानी सूर्य कब तक जो है बादलों के पीछे छिपा रह सकता है। कवि कहते हैं कि सूर्य कब तक बादलों के पीछे छुपा रह सकता है। समसामायिक लोगों से अपना अपमान युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। समसामायिक लोगों से अपना अपमान कोई वीर कब तक झेल सकता है। कहने आगे देखिए, पाकर समय एक दिन आखिरी उठी जवानी जाग, यानी ऋतुएं आ गई, ऋतुएं आने पर ही कोई भी फूल कुंजों में खिलता है। वैसे ही जो है कर्ण की भी ऋतु आ गई। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। पौरुष यानी हिम्मत, ताकत।
कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय आता है जब वीर पुरुष प्रतिरोध कर विचित्र कहने का तात्पर्य है कि एक समय आता है जब वीर पुरुष प्रतिरोध करने हेतु उठ खड़ा होता है, आखिर कर्ण की भी मेरे प्यारे बच्चों क्षमानी झक गई और सबके सामने उसके पौरुष की पहली आग प्रज्वलित हो उठी। नेक्स्ट, रंगभूमि में अर्जुन था, जब समा अनोखा बांधे, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन सा। जब अर्जुन प्रेक्षागृह में अपने युद्ध कौशल से अनोखा समा बांधे हुए था बच्चों, उसी समय धनुष बाण साधे हुए कर्ण भीड़ के भीतर से आगे आया, कहता हुआ तालियों से, क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुए समय अभी क्षण में होता है धूल। उसने आते ही अर्जुन को संबोधित किया यानी कहा, हे अर्जुन, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गर्व के कारण प्रसन्न मत हो, तुम्हारा यह यश मैं अभी क्षण भर में मिट्टी में मिला देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी। यदि किसी को कोई प्रश्न हो, शब्दों का अर्थ ना आ रहा हो, तो कृपया जो है प्रश्न करें। हेलो, तो हमने इस कविता के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों अद्भुत वीर रामधारी सिंह दिनकर की कविता को पढ़ा और ये इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिली कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर मन से, कर्म से, वचन से अगर संकल्प लेकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर उद्दत हो जाता है, उसे संसार की कोई भी ताकत, कोई भी कुल, कोई भी जाति, कोई भी धर्म उसे रोक नहीं सकता। हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,